कैसे हो बच्चों? आज आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसके बाद बर्नुलिस थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या है कि इफ प्रेशर एट द हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक, कोई लेक है उसका हाफ डेप्थ पे प्रेशर जो है इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम एट द लेक, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक लेक है, एक लेक है, इसमें पानी है, वाटर है, ये लेक है, इसमें वाटर है, ये क्या है, लेक है। कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस पे, हाफ डेप्थ पे, इस जो सरफेस है इसका हाफ डेप्थ, हाफ डेप्थ, अगर टोटल डेप्थ इसका एच है, टोटल डेप्थ अगर एच मान लेते हैं तो हाफ डेप्थ कितना हो जाएगा, h/2। यहाँ पर ए मान लेते हैं और बॉटम पे बी मान लेते हैं, तो कह रहा है कि हाफ डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल 2/3 प्रेशर एट द बॉटम। तो यहां पर कितना प्रेशर होगा, ए पे कितना प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी h/2 ये डेप्थ। और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, बॉटम पे प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ए हो गया, ए प्रेशर हो गया ए पे, और ये प्रेशर हो गया बी पे। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो प्रेशर है इसका 2/3 है, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी h/2 इक्वल टू 2/3 पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी निकालना है, तो लैग का जो है, लैग का डेप्थ निकालना है, कितना डेप्थ है, कितना गहरा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2P0 प्लस रो जी h/2 इक्वल टू 2P0 प्लस 2 रो जी एच h/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, इसको इधर करेंगे, कितना हो जाएगा, 6P0 प्लस 3 रो जी एच इक्वल टू 4P0 प्लस 4 रो जी एच। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 2P0, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा रो जी एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एच बराबर हो जाएगा 2P0 बाय रो जी, ये हो जाएगा लेग का डेप्थ। ये निकल गया लेफ्ट लेग का डेप्थ, 2P0 रो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक पाइप है, इसमें जा रहा है लिक्विड, ये लिक्विड जा रहा है इसमें, और इधर जा रहा है लिक्विड और इधर आ रहा है, यानी दो भागों में बट रहा है लिक्विड, यहाँ पे ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5 ए है,
इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, एंट्री जो कर रहा है वाटर या कोई भी लिक्विड है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड इधर निकल रहा है, तो V3 कितना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा वाटर का, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए इसका कैसे बनाते हैं, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए वी वन इक्वल टू ए वी टू प्लस 1.5 ए वी 3। यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, एक कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, तो जितना इनपुट हुआ उतना आउटपुट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ए जो है कट जाएगा, ए कट गया। अब वी वन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड, वी टू कितना दिया है 1.5, और ए निकालना है, V3 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 1.5 V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5, तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 बाय 1.5, ये कट गया वन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V3 ये निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया। तो ये बात समझ में आया होगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। अब हम लोग बर्नुलिस थ्योरम देखते हैं। अब आ गया बच्चों बर्नुलिस प्रिंसिपल। बर्नुलिस प्रिंसिपल है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बर्नुलिस प्रिंसिपल क्या चीज़ है, व्हाट इज बर्नुलिस प्रिंसिपल। तो बर्नुलिस प्रिंसिपल क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूड्स, जो फ्लूड्स फ्लो कर रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी एसोसिएट विथ प्रेशर, ये तीनों प्रकार का जो एनर्जी है वो जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और इसका बेसिकली क्या है कि इसका एनर्जी कंजर्व रहता है, तो अगर इसका फ्लूड का वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा, ताकि ओवरऑल जो है इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो देखिए बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है कि टोटल टोटल मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजिंग पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी एसोसिएट विथ प्रेशर ऑल आर कंजर्व, ऑल आर कंजर्व। कि क्या है बच्चों इसका प्रिंसिपल कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी एसोसिएट विथ प्रेशर ऑल आर कंजर्व। तो अगर ऐसा मानते हैं कि कोई इस तरह का कोई पाइप है, इस तरह का कोई पाइप है
ऐसा मानते हैं ई एच वन हाइट पे है, ई एच टू हाइट पे है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू है, ए फ्लूड जा रहा है, ये फ्लूड जा रहा है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे लेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी यहाँ पर हम लोग टोटल निकालते हैं एनर्जी, यहाँ प्रेशर मान लेते हैं पी वन है, यहाँ प्रेशर पी टू है, डेंसिटी नॉन कंप्रेजिबल लिक्विड रहता है, तो डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल, यहाँ पर टोटल हम लोग देखते हैं एनर्जी कितना हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी प्लस रो जी एच वन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी वन स्क्वायर। यहाँ पे फ्लूड का वेलोसिटी अगर वी वन है, यहाँ वी टू है, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो ये अगर दोनों पॉइंट पे हम लोग मेजर करेंगे तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या इक्वेशन बनता है, प्रेशर रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये बर्नोलिस इक्वेशन है। ये जो बच्चों, ये बर्नोलिस का जो है इक्वेशन है, रो रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा फ्लूड का, फ्लूड में कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा इसका, कॉन्स्टेंट होगा। जिस तरह से इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत व्यापक है, इसका एप्लीकेशन जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइट करता है, एरोप्लेन कैसे फ्लाइट करता है, तो एरोप्लेन भी बर्नुलिस थ्योरम के सिद्धांत पे फ्लाइट करता है, स्प्रे जो मारते हैं हम लोग, स्प्रे स्प्रे भी जो मारते हैं वो भी बर्नुलिस थ्योरम के अनुसार से, उसमें लिक्विड ऊपर फ्लो होता है, तो घर का शेड आंधी आने से, स्ट्रॉम आने से घर का शेड जो है उड़ जाता है, वो भी बर्नुलिस थ्योरम के सिद्धांत पे होता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम बताते हैं उसके बच्चों एक एक करके। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसका जो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो है इसका बताएंगे, इसका डेरिवेशन हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे। बर्नुलिस थ्योरम का ये प्रिंसिपल हो गया, ये इक्वेशन हो गया, और इसका एप्लीकेशन बताएंगे, अब उसके बाद इसका डेरिवेशन बताएंगे ये कैसे आता है, तो देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट। बर्नुलिस थ्योरम का प्रिंसिपल समझ में आया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता है, अगर फ्लूइड्स का वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां पे मान लेते हैं स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे स्मॉल ये है, ये फ्लूड जा रहा है, ये फ्लूड जा रहा है, इसमें ये फ्लूड है, इसमें क्या है, फ्लूड है, इधर फ्लो हो रहा है, फ्लूड इधर फ्लो हो रहा है, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, ए जो है ग्रेटर देन स्मॉल ए, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, यहां छोटा है, तो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा है तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, और यहां पे वेलोसिटी अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा,
यहां पर का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पी वन मान लेते हैं, ये प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ का प्रेशर से पी टू से, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वेलोसिटी कम होगा। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि ए वी वन इक्वल टू ए वी टू, ये लॉ ऑफ, ये जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वेलोसिटी, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, इस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, क्योंकि तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ का प्रेशर पी वन ग्रेटर देन पी टू, एक चीज है, देखिए बर्नौली थ्योरम से, ये वाला ये बर्नौली थ्योरम से प्रिंसिपल से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका देखिए कि अगर प्रेशर घटेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा फ्लूड का तो प्रेशर घटेगा। देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, देखिए ये, देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये क्या है, देखिए बच्चों बर्नौली थ्योरम का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि देखिए ये क्या है, एक परफ्यूम का बोतल, इसमें जो है परफ्यूम है तो इसको जैसे प्रेस करेंगे, तेजी से प्रेस करेंगे तो इसके जो अंदर में एक पाइप है तो पाइप में तेजी से एयर जाएगा, एयर तेजी से जाएगा मतलब एयर का वेलोसिटी, फ्लूड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब फ्लूड का वेलोसिटी जैसे बढ़ेगा तो इसके जो पाइप है उसमें प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें जो फ्लूड है, परफ्यूम है, वो ऊपर की ओर राइज करेगा और यहां से स्प्रे हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है बर्नौली थ्योरम से होता है, ये देखिए तो ये किससे होता है, बर्नौली थ्योरम से होता है। एक एप्लीकेशन समझ में आया, ये एप्लीकेशन समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एरोप्लेन कैसे फ्लाइट करता है, उसको देखते हैं। देखिए बच्चों ये एरोप्लेन है, इसमें बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल से, बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर ये फ्लाइट करता है। होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि प्लेन जो होता है फ्लाइट करने के पहले रनवे पर दौड़ता है, रन करता है रनवे पर, जब रन करता है तो इसका जो विंग्स होता है, ये विंग्स जो होता है कनकेव डाउनवर्ड होता है, इधर जो है एयर, ये जो एयर होता है, ये जो होता है एयर, ये विंग्स जो है ये कनकेव डाउनवर्ड होता है, तो ऊपर का जो एयर होता है, ये जो एयर होता है का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, एयर का इधर से ऊपर से जो एयर गुजरता है उसका स्पीड जो है बहुत स्पीड ज्यादा रहता है, और इसका नीचे से जो एयर जाता है, इसका नीचे से जो एयर जाता है, ये विंग्स का नीचे से जो एयर जाता है पास करता है, उसका वेलोसिटी जो है बच्चों, इसका वेलोसिटी वी वन मान लेते हैं, इसको वी टू मान लेते हैं, नीचे से जो एयर जाता है उसका वेलोसिटी बहुत कम रहता है, ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, यानी वी वन ग्रेटर देन वी टू बहुत बड़ा रहता है। ऊपर से जो इसका विंग्स के ऊपर से जो पास करता है एयर, फ्लूड एयर क्या है, फ्लूड है, तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है नीचे के वेलोसिटी से, तो ऊपर वेलोसिटी कम है तो ऊपर में क्या होगा, प्रेशर कम होगा और नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वेलोसिटी कम है तो ऊपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी पी टू बहुत बड़ा हो जाएगा पी वन से। तो ये प्रेशर विंग्स के नीचे जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ऊपर के प्रेशर से, तो प्लेन को जो है लिफ्ट कर देता है ऊपर, दोनों विंग्स पे एक चीज लगता है ये फोर्स और उसको ऊपर लिफ्ट कर देता है, वो प्लेन जो है हवा में फ्लाइट कर जाता है।
उसके बाद फिर इसका आगे काम जो इंजन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे इंजन लगा हुआ रहता है, उसका आगे इंजन का काम रहता है, उसको थ्रस्ट देता है, आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन ये बर्नौस थ्योरम से जो है फ्लाइट करता है, ये बात समझ में आया। तो ये बर्नौस थ्योरम से हुआ बच्चों। तो आप लोग को उम्मीद है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है बर्नौस थ्योरम का जो इक्वेशन है, बर्नौस थ्योरम का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करेंगे, और बहुत सारा भी एग्जाम्पल्स है इसका एप्लीकेशन से, और एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।